दोस्तों, मैं सिंह रावत एमसीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको मध्य प्रदेश के मेले पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मेले जो अपने एमपी में जो भी एग्जाम होता है, व्यापम का जो भी एग्जाम होता है, दोस्तों मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन जरूर आता है, खासकर मेलों से। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 करियर करें 6 और 7 के मेले दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के मेलों से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं दोस्तों। और खासकर दोस्तों मध्य प्रदेश के एसआई में दोस्तों एसआई के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे पहले दोस्तों अपन मेले के बारे में तो अपन जानते ही हो दोस्तों, आपके आपके गांव में मेला लगता होगा, जिस जगह भी रहते हो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे मेले लगते हैं अपने मध्य प्रदेश में। सबसे बड़े बड़े मेले लगते हैं, यहाँ तक कि अपने इंडिया से बड़े बड़े मेले लगते हैं दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पहले अपन चलते हैं अपने मध्य प्रदेश के उत्तर जिले में। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर जिला दोस्तों अपना भिंड। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर जिला अपना भिंड। दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तर जिले के भिंड में दोस्तों अपना मेला जो लगता है दोस्तों वो है नौ देवी का मेला। दोस्तों नौ देवी का मेला। दोस्तों नेक्स्ट जिला अपना मुरैना है। दोस्तों मुरैना में दोस्तों नागाजी का मेला लगता है। दोस्तों जो नागाजी का मेला दोस्तों बंदर बेचने के लिए स्टार्ट किया गया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो बंदर बेचने का मेला स्टार्ट किया गया था दोस्तों मुरैना में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों मुरैना में नागाजी के मेले के अलावा दोस्तों अपना रावतपुरा सरकार का मेला लगता है। दोस्तों अपने धनरुआ सरकार का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं दोस्तों अपने ग्वालियर का। दोस्तों ग्वालियर जिले का जो मेला लगाया गया था वो 1905 में माधवराव सिंधिया के द्वारा, माधवराव सिंधिया फर्स्ट के द्वारा लगाया गया था। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का व्यापार के लिए सबसे बड़ा मेला लगाया गया था। दोस्तों ये आर्थिक आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों मध्य प्रदेश का आर्थिक आधार पर सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं दोस्तों अपना ग्वालियर में दोस्तों रामलीला मेला। दोस्तों रामलीला मेला है जो अपने ग्वालियर में लगता है, अपने बांडर में लगता है, दोस्तों दतिया में लगता है। दोस्तों तीन जिले हो गए, तीन मेले जो एक जो मेला है जो रावत वो रामलीला मेला दोस्तों अपने दतिया में भी लगता है, अपने ग्वालियर में भी लगता है, दोस्तों अपने बांडर में भी लगता है। दोस्तों ये मेला मेरे दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट मेला है। दोस्तों नेक्स्ट मेला अपने चलते हैं अपने शिवपुरी। मध्य प्रदेश की पर्यटक भूमि मानी जाती है दोस्तों। और देखते हैं अपना जो मेला है सबसे इंपोर्टेंट मेला है दोस्तों सिद्धेश्वर का मेला दोस्तों अपने शिवपुरी के करेरा में लगता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करेरा में कमलेश्वर का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट मेला है अपना शिवपुरी का दोस्तों पीर भुदान मेला, जो बाबा पीर भुदान का मेला है दोस्तों अपना जिला शिवपुरी में दोस्तों बाबा पीर भुदान का मेला लगता है। और नेक्स्ट दोस्तों अपने चलते हैं अपने दतिया। दोस्तों नेक्स्ट जिला अपना है दोस्तों दतिया। दतिया में दोस्तों अपना सबसे पहला मेला दोस्तों लगता है दोस्तों जे शिवपुरी रहा अपना, जे भिंड मुरैना ग्वालियर और जो दोस्तों जे दतिया अपना। दतिया में सबसे इंपोर्टेंट मेला लगता है दोस्तों अपना सनकुआ का मेला। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट मेला जो 15 दिन चलता है सनकुआ का मेला। दोस्तों नेक्स्ट मेला जो अपना रतनगढ़ का मेला, रतनगढ़ के मेले के अलावा दोस्तों अपना दतिया में एक बड़ौनी का मेला और लगता है। दोस्तों बड़ौनी का मेला दतिया जिले में दोस्तों अपना एक बड़ौनी का मेला और लगता है। दोस्तों सबसे बढ़िया मेला लगता है दोस्तों भोपाल चलते हैं दोस्तों अपना जो नेक्स्ट मेला है भोपाल में दोस्तों मुसलमानों का दोस्तों सबसे बड़ा मेला इज्जतमा मेला अपने भोपाल में दोस्तों अपना विदिशा भोपाल दोस्तों जेरा अपने भोपाल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला इज्जतमा मेला दोस्तों अपने भोपाल में चल रहा है। दोस्तों 4 दिन लगता है ये मेला, सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिवपुरी से दोस्तों आपको भोपाल हो गया, दोस्तों अपना शिवपुरी हो गया, दतिया ग्वालियर भिंड मुरैना। दोस्तों नेक्स्ट है अपना गुना है अपना नेक्स्ट। गुना में दोस्तों अपने तेजा जी का मेला लगता है। गुना में दोस्तों अपने तेजा जी का मेला लगता है जेरा दोस्तों गुना में अपने तेजा जी का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं राजगढ़ को अपने मध्य प्रदेश का चौराहा कहते हैं। यहाँ से दोस्तों अपने नेशनल हाईवे निकलता है दोस्तों 12 और 3 जो नेशनल हाईवे यहीं से निकलता है। यहाँ मध्य प्रदेश का चौराहा कहते हैं। यहाँ दोस्तों
दोस्तों एक मेला लगता है, ये रहा दोस्तों अपना राजगढ़, यहाँ माँ बेटी का मेला लगता है। माँ बेटी का मेला लगता है ये राजगढ़ की भियापुरा गांव में लगता है दोस्तों। और यह मेला दोस्तों 2017 से स्टार्ट किया गया है अपना राजगढ़ का मेला दोस्तों, राजगढ़ का मेला। और दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने साजापुर। दोस्तों साजापुर में दोस्तों अपने गरीबनाथ का मेला लगता है दोस्तों। अपना साजापुर हो गया, अपना जो दोस्तों अपने भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सीपी, सीपी हो गया, गुना हो गया दोस्तों, अपना राजगढ़ हो गया, भोपाल हो गया दोस्तों। अब अपन चलते हैं अपने नीमच दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपन अपने नीमच। नीमच में दोस्तों अपना मेला लगता है दोस्तों। जो नीमच का मेला है वो साहबुद्दीन जी का मेला है, साहबुद्दीन, जो दोस्तों 4 दिन चलता है अपने जो नीमच का मेला है, साहबुद्दीन का साहबुद्दीन मेला है जो दोस्तों 4 दिन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट मेला देखते हैं अपना रतलाम, त्रिवेणी देवी का मेला दोस्तों। रतलाम में अपना त्रिवेणी का देवी का मेला लगता है दोस्तों, जो एक ही मेला है और अपने रतलाम में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट मेला देखते हैं अपना मंदसौर दोस्तों। मंदसौर का मेला है, जो मेला है अपने धर्म राजेश्वरी मेला मंदसौर दोस्तों। मंदसौर, मंदसौर, नीमच दोस्तों, नीमच हो गया अपना, मंदसौर हो गया दोस्तों, अपना रतलाम भी हो गया। और दोस्तों अपना नेक्स्ट मेला देखते हैं दोस्तों झाबुआ। दोस्तों अपना नेक्स्ट मेला देखते हैं झाबुआ। झाबुआ का मेला दोस्तों यह लगता है, झाबुआ भगोरिया मेला लगता है दोस्तों। भगोरिया मेला के अलावा यहाँ पे 2-3 मेले और लगते हैं, इनमें से दो जो गुलारिया मेला है वो 2 दिन चलता है, और बोल गगड़िया मेला है जो 3 दिन चलता है, और एक उजाड़िया मेला है यह दोस्तों 2 दिन चलता है, यह अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ दोस्तों। द झाबुआ में दोस्तों अपने भगोरिया मेला, और दोस्तों नेक्स्ट जो मेला है वो अपना गुलारिया मेला है, जो 2 दिन चलता है, और जो दोस्तों जो 3 दिन चलता है वो गोल गधेड़े का मेला है, गोल गधेड़ा। और जो दोस्तों जो नेक्स्ट मेला है अपना नेक्स्ट मेला है अपना जो झाबुआ का जो नेक्स्ट मेला है दोस्तों अपना उजाड़िया, उजाड़िया मेला दोस्तों 2 दिन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट मेला देखते हैं अपना अलीराजपुर दोस्तों। अपने अलीराजपुर दोस्तों, अपने अलीराजपुर में अपने आम की एक प्रजाति पाई जाती है, आम की एक प्रजाति पाई जाती है, सबसे प्रसिद्ध प्रजाति, सबसे कम पाई जाने वाली प्रजाति है दोस्तों, नूरजहां। नूरजहां एक आम की प्रजाति है दोस्तों, नूरजहां एक आम की प्रजाति दोस्तों। यहाँ अपना मेला लगता है कट्टीवाड़ा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन अलीराजपुर के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट मेला देखते हैं, और नेक्स्ट जिले में चलते हैं दोस्तों अपन अपना उज्जैन दोस्तों। उज्जैन, उज्जैन के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे, सिंगस का मेला लगता है दोस्तों अपना, ये 12 वर्ष में जो मेला लगता है सिंगस का मेला लगता है दोस्तों। यह एक ऐसा मेला है दोस्तों जो छिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर लगता है दोस्तों। उज्जैन में ये अपना उज्जैन दोस्तों, उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे दोस्तों रामघाट पर मेला लगता है दोस्तों। यह मेला अपना दोस्तों गधों के लिए प्रसिद्ध है, यह जो मेला है दोस्तों अपना गधों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अपना नेक्स्ट मेला देखते हैं दोस्तों, चलो अपन चलते हैं दोस्तों अपने सीहोर दोस्तों। सीहोर दोस्तों, सीहोर में अपना सकलनपुर का मेला लगता है दोस्तों। सीहोर, सीहोर में अपने सकलनपुर का मेला लगता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों देवास, देवास में दोस्तों अपने चामुंडा देवी का मेला लगता है दोस्तों। देवास में अपने चामुंडा देवी का मेला लगता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आगे, और देखते हैं दोस्तों अपने खरगोन दोस्तों, अपने खरगोन में चलते हैं अपन दोस्तों। ये रहा अपना खरगोन दोस्तों, यहाँ शहीद मेला लगता है, शहीद मेला दोस्तों, यहाँ शहीद मेला लगता है। और यहाँ दोस्तों एक मेला और लगता है अपना सनाबाद में, सनाबाद मेला नहीं दोस्तों, शहीद मेला है जो दोस्तों अपना सनाबाद में लगता है दोस्तों। एक ही मेला है यह शहीद मेला दोस्तों, अपना खरगोन के सनाबाद में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट जिला देखते हैं अपन अपना इंदौर दोस्तों, अपना नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना इंदौर। इंदौर में दोस्तों हिंगोट मेला लगता है दोस्तों, इंदौर में हिंगोट मेला लगता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपन अपना सागर, ये रहा दोस्तों अपना सागर दोस्तों। अपना अपन अपने सागर में चलते हैं, सागर में दोस्तों देवरी का मेला, बनेली का मेला, बनेली घाट का मेला दोस्तों, देवरी का मेला,
बनेली घाट का मेला। बनेली घाट का मेला दोस्तों अपनी बेतवा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों जो बनेली का मेला है दोस्तों वो अपनी बेतवा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं, आइए चलते हैं दोस्तों अपने अशोकनगर। दोस्तों अपने अशोकनगर, अशोकनगर में दोस्तों अपने चंदेरी में, चंदेरी में दोस्तों अपने दो मेले लगते हैं। चंदेरी में दोस्तों अपने दो मेले लगते हैं। दोस्तों एक मेला है अपना जागेश्वरी देवी का मेला। दोस्तों जागेश्वरी मेला बोल दो या फिर जागेश्वरी देवी का मेला बोल दो। दोस्तों अपने अशोकनगर के चंदेरी में दोस्तों एक मेला और लगता है। दोस्तों अपन अधिकतर दोस्तों करीला का मेला, करीला का मेला है दोस्तों जो अपने अशोकनगर के चंदेरी में पड़ता है। दोस्तों अशोकनगर के चंदेरी में करीला का मेला लगता है। और दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन अपना टीकमगढ़। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन अपना टीकमगढ़। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों टीकमगढ़, दोस्तों ये रहा अपना टीकमगढ़। दोस्तों टीकमगढ़ में दोस्तों अपना जो मेला लगता है वो कोंडेश्वर बाबा का मेला लगता है। दोस्तों टीकमगढ़ में कोंडेश्वर बाबा का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन अपना मंडला। मंडला में दोस्तों अपना जो मेला लगता है दोस्तों मंडला में दोस्तों जो मेला लगता है अपना मड़ई का मेला लगता है। दोस्तों मंडला में मड़ई का मेला। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं, मंडला में मड़ई का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं अपना अपन सिवनी। सिवनी दोस्तों बैरोनाथ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के सिवनी में दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी में दोस्तों अपने भैरव बाबा का मेला लगता है जो भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। भैरव बाबा का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट जिला अपन अपना देखते हैं छिंदवाड़ा। दोस्तों छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में दोस्तों अपना, दोस्तों ये रहा अपना छिंदवाड़ा। दोस्तों छिंदवाड़ा चल रहे, छिंदवाड़ा में देखते हैं दोस्तों गोटमार मेला लगता है। दोस्तों गोटमार मेला पटाई तहसील में लगता है। गोटमार मेला छिंदवाड़ा के पटाई तहसील में लगता है। दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं आप उमरेठ का मेला, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों नेक्स्ट मेला उमरेठ का मेला है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट जिले बैतूल में चलते हैं। दोस्तों अपना बैतूल देखते हैं। दोस्तों बैतूल में चलते हैं। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट मेला है दोस्तों बैतूल का जो नेक्स्ट मेला है दोस्तों है भूत मेला। दोस्तों अपना जो भूत मेला है वो दोस्तों बैतूल के मलाजपुर में लगता है। दोस्तों बैतूल के मलाजपुर में लगता है भूत मेला। दोस्तों अपने बैतूल के मलाजपुर में लगता है। दोस्तों नेक्स्ट जिला देखते हैं अपन अपना हरदा। दोस्तों नेक्स्ट जिला है अपना हरदा। हरदा में दोस्तों सोडल, दोस्तों नेक्स्ट मेला है अपना हरदा। हरदा में दोस्तों सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। दोस्तों सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। दोस्तों अपने हरदा में, हरदा के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक में दोस्तों अपने शिवरात्रि का मेला लगता है। सबसे प्रसिद्ध मेला अमरकंटक का, दोस्तों सबसे जाना लगने वाला मेला अमरकंटक में, सबसे जाना प्रसिद्ध एक ही मेला है दोस्तों अपने शिवरात्रि का मेला। यहाँ से दोस्तों अमरकंटक से अपनी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी पे एक वाक्य है दोस्तों, यहाँ के कंकड़ को शंकर बोला जाता है। नर्मदा नदी का जो भी कंकड़ है उसे शंकर माना जाता है। दोस्तों अपने नर्मदा, अपने अमरकंटक में सबसे जाना जो मेला लगता है दोस्तों, सबसे अच्छा मेला लगता है वो शिवरात्रि का मेला लगता है। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट मेला है वो देखते हैं दोस्तों रीवा। रीवा में दोस्तों महामृत्युंजय का मेला लगता है। दोस्तों रीवा में दोस्तों अपने महामृत्युंजय का मेला लगता है। नेक्स्ट मेला देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपन अपना दोस्तों रीवा। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। दोस्तों नेक्स्ट जिला अपन देखते हैं अपना सतना। सतना में दोस्तों अपन
सतना में दोस्तों अपना मैहर का मेला लगता है। दोस्तों जो नेक्स्ट जिला है अपना वो सतना, सतना में अपने मैहर की माता, जो दोस्तों आपने लाउदल का नाम तो सुना ही होगा, वो यहीं से थे। और बताते थे कि वो माता जो मैहर की माता थी, जो शारदा देवी माता थी, वो इन लाउदल की मतलब कुल देवी थी, या फिर मतलब इनके बारे में बहुत बताया जाता है। और बताते हैं आज भी यहाँ पे उनकी पूजा हुई मिलती है। दोस्तों अपना नेक्स्ट जिला देखते हैं, सतना से आगे चलते हैं दोस्तों अपना टीकमगढ़। टीकमगढ़ में दोस्तों कांडेश्वर का मेला लगता है। कांडेश्वर टीकमगढ़ में दोस्तों अपना कांडेश्वर का मेला लगता है। कांडेश्वर का मेला लगता है दोस्तों अपना छतरपुर में। दोस्तों अपना टीकमगढ़ जेरा यहाँ, और दोस्तों अपना नेक्स्ट जिला है दोस्तों छतरपुर। छतरपुर में दोस्तों अपने जल विहार का मेला लगता है। दोस्तों जल विहार का मेला जो 7 दिन चलता है। और दोस्तों नेक्स्ट मेला अपन अपना देखते हैं दोस्तों शहडोल। दोस्तों शहडोल, शहडोल में दोस्तों अपना बाणगंगा का मेला लगता है। बाणगंगा शहडोल, मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बताया था आपको शहडोल को उमरिया। उमरिया में दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, उमरिया के बादलगढ़ में जो किला बताया था उसमें विष्णु भगवान की शेष सैया वाला जो तालाब है उसे शेष साई तालाब बोलते हैं। दोस्तों अपना जो शहडोल का जो नेक्स्ट जो मेला है ना दोस्तों बाणगंगा मेला है दोस्तों। नेक्स्ट मेला और देखते हैं अपना दमोह का मेला। दमोह में दोस्तों जागदेव का मेला। और दोस्तों अपना नेक्स्ट मेला दोस्तों जागदेव के मेला के अलावा दोस्तों एक मेला और लगता है यहाँ पे अपना नाथ मेला। और दोस्तों नेक्स्ट मेला देखते हैं और लास्ट मेला है दोस्तों अपना मधुबनी नरसिंहपुर। दोस्तों नरसिंहपुर जिले में जो मेला लगता है दोस्तों वो है बर्मान घाट का मेला है। दोस्तों 13 दिन चलता है। दोस्तों नरसिंहपुर में बर्मान घाट का मेला लगता है यार दोस्तों 13 दिन चलता है। दोस्तों ये हुए आपके मध्य प्रदेश के किले, और आगे जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको आगे और पढ़ाते चलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद।